नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन और मैं हूं रंजीत झा। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। 23 मई को इसमें पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी और इसी के लिए तीसरे चरण का मतदान आज देश भर में करीब 117 सीटों पर हुआ है। तो मतदान की अगर हम बात करते हैं तो बात हम बिहार में ही लेकर आएंगे। बिहार में आज 23 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कि झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और खगड़िया, ये 5 सीटें बहुत इसमें ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी चर्चे में रही हैं, जिनमें कैंडिडेट को लेकर काफ़ी चर्चा है। तो मतदान तो फिलहाल हो चुका है और जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, देख के भी बता रहे हैं कि जो आंकड़े 2014 के अपेक्षा 2019 में सिर्फ अररिया को छोड़ दें तो बाकी 3-4 सीटों पे मतदान का परसेंटेज कम रहा है। ओवरऑल भले ही कुछ दशमलव समथिंग परसेंट का वो बढ़त बताया जा रहा है, लेकिन जो अगर सीट दर सीट इस आंकड़े को हम विश्लेषण करें, अगर देखें वोटिंग प्रतिशत का अगर हम एक आंकड़ा देखें, इसमें साफ लगता है कि 5 में से 4 सीटों पर 2014 के मुकाबले मतदान कम हुए हैं। जैसे कि 2014 में 57% मतदान हुए थे तो झंझारपुर में, तो इस बार 2019 में 56% ही मतदान हुए हैं। बात अगर झंझारपुर की कर रहे हैं तो झंझारपुर की बात हम साथ में ही लेकर चलते हैं। यहाँ पे आरजेडी के कैंडिडेट गुलाब यादव मैदान में हैं, उनके अपोजिट में जदयू से आरपी मंडल, कह सकते हैं एनडीए वर्सेज महागठबंधन की बात करें तो एनडीए से आरपी मंडल जो जदयू से हैं और गुलाब यादव आरजेडी से हैं, दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे बीके चौधरी भाजपा से सांसद रहे हैं, लेकिन जो इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि राजद विधायक रहे हैं गुलाब यादव झंझारपुर से ही, और जो आरपी मंडल हैं जिन्हें जदयू ने टिकट दिया है, जो इस बार इनका इनके भाग का फैसला ईवीएम में फिलहाल तो बंद है, नतीजा क्या होगा वो 23 मई को सबको पता चलेगा, लेकिन वो खुटौना में, झंझारपुर के खुटौना में एक प्रमुख हैं, प्रमुख के पद पर हैं। तो इसमें लोगों के मन में ये जरूर चलता होगा कि जो ये मतदान हुआ है और मतदान कम हुआ है तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कम हुआ है तो वोटर्स कहाँ से कम निकले। ये तस्वीरें फिलहाल उतनी स्पष्ट तो नहीं है कि कहाँ से कम निकले, लेकिन अगर बात करें वहाँ पे स्थिति की तो झंझारपुर में गुलाब यादव वर्सेज आरपी मंडल, रामप्रीत मंडल, अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके में जरूर इनकी पकड़ होगी, वहाँ के प्रमुख भी हैं, लोगों के बीच बातें जरूर इनकी चर्चा चल रही होगी। प्लस जदयू और एनडीए का साथ भी, मतलब भाजपा का भी साथ इस बार मिल रहा है, भाजपा का विनिंग कैंडिडेट वहाँ पर ऑलरेडी है, तो अगर ग्रास रूट लेवल पे काम की बात करें तो काम जरूर बेहतर हुआ होगा। तो आरपी मंडल के हिसाब से अगर आरपी मंडल को अगर भाजपा कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिला है, मतदान परसेंटेज भले ही कम हुआ हो, लगभग 1% या उससे भी आधा परसेंट का मार्जिन है 14 के मुकाबले, तो उसमें उस 14 में तस्वीरें कुछ अलग थी, उस समय जदयू एनडीए के साथ नहीं था लेकिन इस बार साथ में है। तो दोनों कार्यकर्ताओं का जो ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ है, जो वोट मांगने के मुद्दे जो वहाँ गिनाए गए, उस पर गुलाब यादव जो फिलहाल विधायक हैं, 15 में जदयू के साथ वहाँ पर थे तो वो विधायक बने, तो जदयू एक अहम फैक्टर मान के चले वह भाग, तो स्थिति जो यहाँ पर बनती दिख रही है उसके अनुसार आरपी मंडल कहीं ना कहीं आगे दिखते हैं वहाँ पर। खैर, इसमें एक बहुत बड़ी बात गौर करने वाली यह है, हमने इसलिए आरपी मंडल का नाम लिया क्योंकि देवेंद्र प्रसाद यादव भी वहाँ पर दावेदारी उन्होंने पेश की है, वो वहाँ पे उनके भी लिए भी उनका भी अपना एक वोट बैंक है क्योंकि वो 5 बार वहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं। वो राजद में रहे थे लेकिन इस बार निर्दलीय ही मैदान में उतर गए थे, तो ऐसी स्थिति में तो राजद को कहीं ना कहीं इस बात का झटका तो लगेगा ही, देवेंद्र प्रसाद यादव उनके हिस्से का वोट काटते हैं या नहीं कर पाते, अगर ऐसा कुछ होता है तो आरपी मंडल बेनिफिट में दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं सुपौल की। सुपौल अपने आप में एक चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस से सांसद अभी भी हैं वो रंजीत रंजन वहाँ पे, और आज उनके भी भाग का फैसला वहाँ पे हो चुका है ईवीएम में, उनके उनकी किस्मत या कहें तो सांसद बनेंगे या नहीं वो सब कैद हो चुका है, 23 मई को इस बात का पता चलेगा।
लेकिन उनके सामने कौन थे ये गौर करने वाली बात है। एनडीए से इस बार दिलेश्वर कामत उनके सामने खड़े थे, यानी दिलेश्वर कामत ये वही हैं जो 2014 में भी फाइट किए थे रंजीत रंजन के सामने। रंजीत रंजन कांग्रेस से हैं, दिलेश्वर कामत जेडीयू से हैं, और उस वक्त कामेश्वर चौपाल जो भाजपा कैंडिडेट थे वो भी वहाँ पे चुनाव लड़े थे। अगर एक हायरार्की की बात करें तो रंजीत रंजन करीब 1,00,000 वोटों से जीत गई थी, क्योंकि वहाँ पे दिलेश्वर कामत 2 नंबर पे रहे थे और कामेश्वर चौपाल 3 नंबर पे रहे थे। क्योंकि इस बार एनडीए का गठबंधन हो गया तो दिलेश्वर कामत को ही वहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है और वहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट खड़े नहीं किए गए। लेकिन रंजीत रंजन पिछले बार जरूर 1,00,000 वोट से जीत गई थी, लेकिन इस बार जब वो नॉमिनेशन करने गई थी तो वहाँ पे उन्हें विरोध का भारी सामना करना पड़ा था। तो ये सोचने वाली बात है कि विरोध कौन कर रहा था, तो राजद की ओर से विरोध हो रहा था, और कांग्रेस महागठबंधन में है, राजद उसमें प्रमुख दल है, सबसे बड़ा दल है, बिहार में बड़ा भाई माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में रंजीत रंजन के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन लोग का कहना है कि जो चर्चाएं हैं कि वो वोट अपना सीट हो सकता है बचा लें, लेकिन एक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ भी वोट कम हुए, करीब करीब 1% का अंतर है, 62.80% इस बार सुपौल में वोट पड़े, जबकि 2014 में 63.62% वोट पड़े थे। तो अब ये जो वोट का शेयर कम हो रहा है, इस पे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये परसेंटेज अगर गिरा है वोट किसने नहीं दिया और किसके कोटे का वोट नहीं पड़ा। लेकिन रंजीत रंजन के फैक्टर की बात कर लें तो रंजीत रंजन का फैक्टर यही है कि उन्हें एक नाराजगी का सामना करना पड़ा था, बाकी वोटर्स क्या कहते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन दिलेश्वर कामत वर्सेज कामेश्वर चौपाल, उस वक्त कामेश्वर चौपाल माइनस दिलेश्वर कामत थे, इस बार दिलेश्वर कामत प्लस कामेश्वर चौपाल है, मतलब उन्हें बीजेपी का साथ मिल रहा है। तो वोट बटने की बात तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो रंजीत रंजन को कड़ा टक्कर मिल सकता है, हार जीत का फैसला तो 23 मई को ही होना है। चलिए बात मधेपुरा की, मधेपुरा भी कमज़ोर नहीं है। मधेपुरा कहते हैं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले 12 बार से वहाँ यादव ही सांसद बनते आए हैं, चाहे लालू यादव रहे हों या शरद यादव रहे हों या पप्पू यादव रहे हों, वो बनते आए हैं। तो सबसे पहले हम इसके आंकड़े की बात कर लेते हैं। इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है मधेपुरा में भी थोड़ा सा अंतर आया है, थोड़ा कम हुआ 2014 के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे मधेपुरा सीट पर बहुत तमाशा हुआ था, पप्पू यादव ने काफ़ी कोशिशें की थी, वो यहाँ फिलहाल निवर्तमान सांसद कह सकते हैं वहाँ पर हैं। लेकिन इस बार शरद यादव मैदान में हैं, शरद यादव भी लालू यादव को हराए हुए हैं और शरद यादव को पप्पू यादव हरा चुके हैं, तो ऐसे में ये बहुत दिलचस्प है, जीतना तो यादव को ही है। इसी वजह से वहाँ पर एनडीए ने भी दिनेश चंद्र यादव को टिकट दिया, दिनेश चंद्र यादव मैदान में लड़े। अब दिनेश चंद्र यादव को क्या फ़ायदा मिलेगा ये समझने वाली बात है, क्योंकि पप्पू यादव 2014 में जब जीते थे उस समय वो आरजेडी के कैंडिडेट थे और शरद यादव उस समय जदयू के कैंडिडेट थे। तो शरद यादव इस बार आरजेडी के कैंडिडेट बन गए और पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, तो ऐसी स्थिति तो बहुत दिलचस्प है कि होगा क्या। पप्पू यादव ने चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा, लालू यादव के खिलाफ भी बोले, पहले उन्होंने कहा कि हम बहुत इज्जत करते हैं, तेजस्वी के खिलाफ बरसते रहे और बहुत सारी बातें उन्होंने लोगों के बीच रखी, वोट मांगने का जो एक तरीका होता है उन्होंने वो अपनाया। लेकिन जो जमीनी जो आंकड़े बताते हैं उसके अनुसार पप्पू यादव से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराज़गी लोगों के बीच में ज़रूर है। पप्पू यादव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसमें इस बार संदेह जरूर है। और शरद यादव की जहां तक बात करें, शरद यादव नीतीश कुमार से नाराज होकर राजद में गए हैं। पिछली बार भले ही राजद का कैंडिडेट जीता था, लेकिन दिनेश यादव को भी हम कमज़ोर नहीं मानते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोगों से भी बातें हुई, कुछ लोगों से जो बता रहे थे, जो आंकड़े सामने आ रहे थे, उससे दिनेश चंद्र यादव भी कहीं ना कहीं इसमें एक मजबूत दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं। और शरद यादव का क्या होगा और पप्पू यादव का क्या होगा, ये आपस में ही क्या इनके ही वोट कटेंगे ये सोचने वाली बात है। लेकिन दिनेश चंद्र यादव क्या इन दोनों के बीच चलने वाली फाइट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 14 में जदयू के टिकट पे शरद यादव हार गए थे, उसमें बीजेपी का साथ नहीं था, और दिनेश यादव इस बार ज़बरदस्त फाइट करने के मूड में हैं, देखिए क्या होता है। चलिए बात खगड़िया की, खगड़िया में महबूब अली कैसर वर्सेज मुकेश सहनी,
मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महागठबंधन के प्रमुख दलों में इस बार जो सीट का बंटवारा हुआ, 3 सीटें उन्होंने अपने हिस्से में मांगी थी। जो उन्हें 3 सीट मिली थी वो है खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो खगड़िया से वे खुद दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो खगड़िया में आज मतदान भी हुआ। खगड़िया के मतदान प्रतिशत की बात करें तो इस बार 2% मतदान कम हुए हैं, 58.83% इस बार। तो जो 2014 की बात करें तो 60% वोट वहां पड़े थे, 2% का मार्जिन यहां भी दिख रहा है। और बात कैंडिडेट के दम की करें तो महबूब अली कैसर से लोगों की नाराजगी दिखी थी। और दूसरी बात, महबूब अली कैसर लोजपा के कैंडिडेट हैं, रामविलास पासवान की पार्टी से आते हैं और एक नवाब फैमिली से आते हैं। इस बार उन्होंने भी चेतावनी दी थी लोजपा को, अगर मुझे खगड़िया से टिकट नहीं मिला तो वे बगावत का रुख अपना सकते हैं, या निर्दलीय खड़े होने की बात कर रहे थे, किसी पार्टी में चले जाने की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हुई। और अंत में जब खगड़िया सिर्फ लोजपा के ही खाते में रही तो उन्होंने महबूब अली कैसर को बाद में कैंडिडेट घोषित कर दिया। और मुकेश सहनी जो बार बार दरभंगा से लड़ने की जिद किए हुए थे, उन्हें खगड़िया भेजा गया। खगड़िया इसलिए भेजा गया क्योंकि बैकवार्ड का बेल्ट खगड़िया को माना जाता है, वहाँ पे मुकेश सहनी एक मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, चूँकि वहाँ पे वे महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ पे फैक्टर कुछ गौर करने वाली बात है। फैक्टर ये है कि खगड़िया में जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 5 विधानसभा सीट जदयू के खाते में है, तो जदयू का बेस लेवल वहाँ मजबूत दिख रहा है। लेकिन यह फैक्टर इसमें और भी गौर कीजिए कि जब यह 6 में से 5 सीटें जदयू के खाते में गई तो वह मामला 2015 का था। 2015 यानी जदयू प्लस राजद का साथ, महागठबंधन उस वक्त भी था, उसमें जदयू लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ खड़ा था। तो उस वक्त मिल करके हुआ था, एक अलौली में बस राजद का विधायक है वहाँ पे। तो ये स्थिति बन रही थी कि 6 में से 5 सीटें वो जीते थे। तो लेकिन इस बार क्या होगा, मुकेश सहनी एक प्रमुख दावेदारी दिखा रहे हैं, उभरते हुए चेहरे के रूप में सन ऑफ मल्ला खुद को कहते हैं, मल्लाहों के लिए रैली भी किए थे, तेजस्वी यादव से मिले, तेजस्वी यादव ने एक भापा माहौल को और मुकेश सहनी को 3 सीटें लोकसभा में लड़ने के लिए उनकी पार्टी को दे भी दिए। तो चूंकि मुकेश सहनी एक प्रबल दावेदार के रूप में दिख रहे हैं, महबूब अली कैसर से लोगों की नाराजगी इस बीच में नज़र आई थी, 2% वोटिंग कम भी हुआ है। और एक खबर ये भी आई थी कि महबूब अली कैसर जब वहाँ पे रैली या सभा करने गए थे, जनता के बीच में गए थे, जनता ने उन्हें खदेड़ा तक था। तो ऐसे में मुकेश सहनी के पक्ष में माहौल तो बनता दिख ही रहा है। फिलहाल 23 मई का इंतजार कीजिए, देखिए कौन जीतता है। अब अंतिम हम बात करेंगे अररिया सीट की। अररिया भी बहुत दिलचस्प है। अररिया में सरफराज आलम को, जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, राजद के कैंडिडेट हैं, उन्हें टक्कर कौन दे रहे हैं, प्रदीप कुमार सिंह। अब क्यों टक्कर दे रहे हैं, इसमें सोचने वाली बात यह है कि सरफराज आलम तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। तस्लीमुद्दीन अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, वो वहाँ पे जाने माने नाम रहे हैं। उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज जीत गए थे, तो वहाँ पे वो एक सांसद रहे, अभी निवर्तमान सांसद हैं। लेकिन प्रदीप कुमार सिंह ने उन्हें कांटे की टक्कर दी थी, और उस वक्त की जो स्थिति थी कुछ और थी। लेकिन इस वक्त जो है प्रदीप कुमार सिंह के लिए खासा मेहनत किया जा रहा है, भाजपा के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें अररिया से, तो वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ा है, करीब करीब 1% बढ़ा है, तो 1% किसके पक्ष में जा रहा है। तस्लीमुद्दीन का फायदा सरफराज आलम को कितना मिलता है ये तो आपको दिखेगा। आज के मतदान जो 1% बढ़ा है, वो क्या प्रदीप कुमार सिंह को जो वोट कम मिला था क्या उनके पक्ष में चला गया? तो वहाँ पे जो एक ग्राउंड सर्वे होगा, ग्राउंड सर्वे से जो बात निकल के आती है उसके अनुसार 1% का जो इजाफा है वो लग रहा है कि बटा बटा सा दिखता है, क्योंकि तस्लीमुद्दीन एक बहुत बड़ा नाम वहाँ पे माने जाते रहे हैं और उनके बेटे को पिछली बार भी सहानुभूति का वोट मिला था, तो हो सकता है कि इस बार भी उन्हें कुछ ना कुछ वोट मिले। लेकिन जो भी हो, प्रदीप कुमार सिंह कहीं से भी उनसे कम वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो मुकाबला टक्कर का है, कांटे की टक्कर है। 23 मई को इनका भी नतीजा आएगा और पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन कितना
पानी में है। फिलहाल जो मैंने आंकड़े आपको स्पष्ट किए मैं आपको फिर से बता दें, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया, इन 5 सीटों पे आज मतदान हुए और यहाँ पे आंकड़े कुछ इस प्रकार से थे। वोटिंग परसेंटेज सीट दर सीट अगर बात कर लें तो अररिया में 10 सीट का ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और बाकी जगह पर कम हुए। तो अररिया में मुकाबला और भी दिलचस्प होगा, जो बढ़ा हुआ वोट है वो कहाँ गया ये पता चलेगा। बाकी जगह पे कम हुए तो किन के वोटर्स कम हुए ये सब भी अभी तक आप समझे कि मुकाबला कहाँ फंसेगा और कहाँ निकलेगा, तो कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है यह भी हमने आपको एक अनुमान के तौर पर बताया है। बाकी तो आंकड़े 23 मई को दिखेंगे ही। फिलहाल अगले के चरण में क्या अपडेट आएंगे वो भी हम आपको देते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी खबरें, देश दुनिया की खबरें और बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए beforeprint.in के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रीति चांगियानी और आप देख रहे हैं beforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस सून। हाई, दिस इज नेहा मारदा, बिफोर eprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए एंड एवरीथिंग व्हाट दे वांट यू टू डू। beforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, सो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।